हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो। आज हम बनाएंगे क्विक मसालास। ये बहुत सारे रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट मसाला है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के लिए हमें चाहिए 5 टेबल स्पून ज़ीरा, जिसे हम अच्छे से गोल्डन होते तक फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, और कंटिन्यूस इसे चलाएंगे। जब वो स्प्रिंकल होने लगेगा तब हम गैस को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर हम ग्राइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है हमारा ज़ीरा। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब बारी है ब्लैक पेपर पाउडर की। यहाँ मैंने ब्लैक पेपर लिया है 5 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। याद रखें फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमेशा लो पे रखिए, वरना हमारा इंग्रेडिएंट्स जल जाएगा। अब हम बनाएंगे फिश मसाला। फिश मसाला के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा 6 टेबल स्पून, सरसों लिया है 8 टेबल स्पून, मेथी दाना लिया है 1 टेबल स्पून। इसे हम एक साथ ही रोस्ट करेंगे और फिर बाद में ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ज़ीरा पाउडर के लिए ज़ीरा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। ये हमारा दही वड़ा बनाते वक्त बहुत यूज़ होता है। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या शरबत बनाते वक्त बहुत यूज़ होता है। रायता पे आप स्प्रिंकल कर दीजिए ज़ीरा पाउडर, वो भी बहुत यूज़फुल है। अब ब्लैक पेपर भी ठंडा हो चुका है, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ऑमलेट बनाते वक्त हमारा बहुत यूज़ होता है। चाउमीन, नॉनवेज रेसिपी पे आप स्प्रिंकल कर दें, बहुत टेस्टी बनता है। फिश मसाला को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। गरम मसाला आप देख सकते हैं। गरम मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो तैयार है हमारा क्विक मसाला। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।